मणिपुर के इम्फाल पहुंचे हैं राहुल गांधी। यहां पर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज और मणिपुर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में इस यात्रा की शुरुआत हुई है। मणिपुर के थोबल से शुरू होकर मुंबई तक ये यात्रा जाएगी। कुल मिलाकर 67 दिन ये यात्रा चलेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर हम बात करें तो कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी इस यात्रा के जरिए तय की जाएगी। यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। 15 राज्यों के 110 जिलों को ये यात्रा कवर करने वाली है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर इम्फाल की ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, कि किस तरह से भारी भीड़ जनसैलाब एक नजर आ रहा है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है, मुंबई में समाप्त होगी। 15 राज्यों के 110 जिलों से ये यात्रा गुजरने वाली है। यहां आपको बता दें कि आज यात्रा की हो रही है शुरुआत। 20 मार्च तक यात्रा मुंबई पहुंच जाएगी। कुल दूरी तय करेगी 6,713 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से कांग्रेस की यात्रा शुरू। और मणिपुर के थोबल से ये तस्वीरें आप देख रखे हैं। ग्राउंड आप पूरा देख सकते हैं, खचाखच लोगों से भरा हुआ है। हाथों में झंडे लेकर लोग यहां पहुंचे हैं। एक मंच यहां लगाया गया है। मंच पर राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद है। यहां आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी खास तौर से हिमाचल से मणिपुर पहुंचे हैं। ठीक इसी तरह कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल होने के लिए मणिपुर में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त मणिपुर में मौजूद हैं। इम्फाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रखे हैं। 67 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आगाज हो रहा है। मणिपुर के थोबल से शुरू होगी यात्रा। कुल चलेगी 67 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा। यहां आपको बता दें कि कुल 6,713 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। 20 मार्च को मुंबई यात्रा पहुंचेगी। 15 राज्यों के 110 जिलों को ये यात्रा कवर करेगी। मांगरे और मणिपुर गीत से यहां पर इस यात्रा का आगाज किया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रखे हैं। मणिपुरी बैंड की तरफ से यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है। मणिपुर गीत संगीत से यहाँ पर मनोरंजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। मंच पर इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मंच पर मौजूद है। यहाँ आपको बता दें कि हिमाचल से खास तौर पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं मणिपुर और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसैलाब मानो उमड़ पड़ा है। हाथों में झंडे लिए, तिरंगे लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रखे हैं। यात्रा में हिस्सा ले रखे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप आपको हम बता रखे हैं कि किस तरह से यात्रा अलग अलग राज्यों से गुजरेगी, कितनी कितनी दूरी ये यात्रा अलग अलग राज्यों में तय करेगी। अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर है, मेघालय में 5 किलोमीटर है, एक जिला कवर होगा। अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिले, पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर, 7 जिले ये यात्रा कवर करेगी। 20 मार्च तक यात्रा चलेगी। मुंबई में यात्रा की समाप्ति होगी।